is me, Shahtaj Kashif, working as a brand manager in Ocean One Private Limited. The Ocean One Private Limited is back with another one-on-one session. आज हमारे साथ शाहजेब खान मौजूद हैं. शाहजेब का जर्मनी का वीजा एक्सेप्ट हुआ है. आइए हम शाहजेब से बात करते हैं. Hey Shahzeb, how are you doing? I'm fine, thank you so much. How are you today? I'm good, Shahzeb. Firstly, many, many congratulations. Aapka visa approve ho gaya Germany ka. Thank you so much. Yes, mashallah se. It was, you know, a long journey or I was so excited. Main wait kar raha tha isi time ka ki main kab baithunga aur aise bataunga apni journey sabko na. So it was, you know, a massive achievement for me. I'm sure Shahzeb ki aapki ye journey hamare sare students aur hamare sare viewers ko bahut motivate karegi. इंशाल्लाह बिल्कुल. और जर्मनी बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसी कंट्री है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का इस पर एक मेन फोकस होता है कि किसी तरीके से जर्मनी चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे एक होते हैं फैक्टर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं. तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा वीज़ा आ गया माशाल्लाह से. After waiting for so long, finally. अच्छा शाहजेब, अभी आपने मुझसे फैक्टर्स की बात की, मुझे वो तीन फैक्टर्स बताएं आप. ओके. कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बहुत वैल्यू करते हैं वो लोग. सेकेंडली ये होता है कि एकोमोडेशंस वगैरह और ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फीजिबल होते हैं. थर्ड ये होता है कि कल्चरल बहुत अच्छी है वो कंट्री की, मतलब आपको जर्मनी के यू गेट द एक्सपोजर ऑफ कल्चर ऑफ जर्मनी. So that's the main, you know, the points that a student, you know, always keeps in mind. और इन्हीं points ने आपको attract किया कि you should go to Germany for your further studies. Yes, exactly. अच्छा मुझे ये बताओ कि कैसे ख्याल आया to study abroad? Right after my intermediate, I was searching, you know, I was surfing through the internet के कोई एक ऐसी मुझे वो मिल जाए opportunity के मैं किसी तरीके से बाहर चले जाऊँ, क्योंकि I've seen a lot of my friends के वो इंटर के बाद ए लेवल्स के बाद बाहर चले जाते थे और मैं बैठ के सोचता था कि यार मेरी बारी कब आएगी. घर वालों को बता रहा हूँ कि वो लोग भी बोलते थे भाई सब्र कर जाओ चले जाना चले जाना. तो मेरा इंटर हुआ है और द वेरी नेक्स्ट डे आई केम हेयर और उसके बाद फिर मेरा केस बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया ओशन वन वालों ने और उसके बाद फिर फाइनली अब नाउ द डे हैज कम कि अब मैं फाइनली जा रहा हूँ यहाँ से. अच्छा शाहजेब, शुरू से बाहर जाने का प्लान था आपका? जी शुरू से बाहर जाने का प्लान था मेरा, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त गए थे और वो एक होता है ना कि जैसे जर्मनी की बात कर रहे हैं तो बर्लिन गेट हो गया, उसके सामने तस्वीर खींच रहे हैं लोग और फिर वो इंस्टा पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा अच्छा, रहे हैं. अच्छा जो तो, दोस्तों की इंस्टा फेसबुक की स्टोरीज देखते थे तो फिर ये सोचते थे ना मैं भी यहाँ जाके लगाऊंगा. मैं भी यहाँ जाके लगाऊंगा. बिल्कुल मैं भी यहाँ जाके लगाऊंगा और अब फाइनली जाऊंगा तो लगाऊंगा. अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आपने मुझसे बर्लिन की बात की, सो बर्लिन के बारे में आपको क्या क्या पता है? बर्लिन इज अ मेन सेंटर, लाइक बेसिकली ये होता है कि स्टूडेंट्स वेन एवर दे लैंड इन जर्मनी, बर्लिन इज द मेन अट्रैक्टिव यू नो साइट फॉर देम, फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि बर्लिन गेट हो गया वहाँ पे और एक मेन सेंटर है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है कि मे इट बी ऑन देयर अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट और समथिंग. तो ये है कि बर्लिन बहुत अच्छी स्टेट रहती है उनके लिए, तो मेरे लिए भी यही था कि बर्लिन में ही हो मेरा. तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो जो मैंने प्लान की थी ना इट वेंट थ्रू, यू नो जिस तरह प्लान किया था उसी स्मूथनेस के साथ सब कुछ हुआ है. बहुत स्मूथ स्विफ्टली बहुत अच्छा प्रोसेस गया था, पता भी नहीं लगा. एक होता है थोड़ा होता है ना कि आ जाए जल्दी आ जाए, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे उसमें और ओशन वन की टीम ने बहुत सपोर्ट किया. तो ये एक था ना कि लंबा प्रोसेस जो है वो कुछ स्टेप्स में ही क्लियर हो गया माशाल्लाह से. अच्छा शाहजेब, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ आर्डन यूनिवर्सिटी में. और प्रोग्राम क्या है आपका? मेरा है बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट. ओके, तो बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट क्यों चूज किया आपने? अब वो इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है पाकिस्तान में कि देयर इज अ गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें कोर्सेज जो पढ़ा रहे हैं कराची में पाकिस्तान में बेसिकली, तो वो बहुत स्टार्टिंग से वही एक सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही एक चीज़ पढ़ी है. तो मैंने ये सोचा था कि क्यों ना वाई नॉट जर्मनी, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ द मेन फोकस ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज, मे इट बी यूके बेस्ड और जर्मन बेस्ड. तो मैंने यही सोचा था कि राइट आफ्टर माई इंटरमीडिएट, क्योंकि माई इंटरेस्ट वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स बिजनेस, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मुझे आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है तो आई विल गेट अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ हाउ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स वर्क, तो इसीलिए मैंने फिर यही किया. अच्छा और आर्डन यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया अपने लिए? आर्डन इसलिए की क्योंकि मैं जब देख रहा था आर्डन यूनिवर्सिटी के बारे में तो उनका मेन फोकस ये था कि स्टूडेंट्स को बिजनेस के बारे में दें और उनका जो फुली ब्लेंडेड कोर्स था ना उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था कि बिजनेस को एक तरीके से लेके चला उन्होंने, एक एक मॉड्यूल को इतना डिटेल में डिस्कस किया,
उन्होंने कहा ये कर लिया मैंने तो भाई आगे कोई मसला नहीं होगा मेरे लिए, मैं वापस आके इस चीज़ इस गैप को फिल कर सकता हूँ और बाकी फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आर्डन यूनिवर्सिटी की गूगल पे पिक्चर्स वगैरह देखी हैं? बहुत देखी हैं। कैसी लगी आपको? मेरा बस चले मैं चला जाऊँ अभी फ़ौरन ही ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन जो हुई थी उनकी, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि हर बंदा जा रहा था और गांव ने एक होता है कॉन्वोकेशन देख के, तो मैंने ये कहा था कि दोस्तों को दिखाऊंगा अपने फिर जब स्टोरीज लगेंगी इंशाल्लाह ना, जब तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि उनका कैंपस बर्लिन में और मुझे भी बर्लिन ही जाना था, बिजनेस करना था, वो भी आर्डन ऑफर कर रहा था, तो ये सब एक कलेक्टिवली ना मेरे लिए एक वो था कि जैकपॉट ही था मेरे लिए। अच्छा, टेल मी दैट व्हाई डू यू थिंक जर्मनी इज द परफेक्ट फिट फॉर यू, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? जर्मनी इज अ परफेक्ट फिट फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एज आई टोल्ड यू के सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। सेकेंडली एक ऐसी स्टेट है कि एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें जर्मनी प्लेज अ वाइटल रोल, तो ये है कि आप जर्मनी से अगर अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगे तो योर डिग्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। एग्जैक्टली, सो दैट्स द मेन पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैंने वापस आके अपने अपनी कंट्री को ऐसे वो करना है कि मैं जर्मनी से पढ़ के आया हूँ तो आई हैव समथिंग दैट आई कैन ऑफर टू माई कंट्री। अच्छा, क्या प्लान है आफ्टर योर BBA? राइट आफ्टर माई BBA आई एम गोना कम बैक, क्योंकि घर वालों से इतना ज़्यादा दूर तो रह नहीं सकता बंदा, चार साल के बाद मैं जब इंशाल्लाह वापस आऊँगा तो यही है कि अपने कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी मुझे एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और ऐसी नई नई कंपनीज आ रही हैं, तो आई विल गेट अ डिसेंट जॉब, हाई पेइंग, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। अच्छा ये बताओ, आप क्योंकि फैमिली की बात की आपने कि मैं फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, तो जब वीज़े का पता लगा आपकी फैमिली को तो उनके क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मेरी मम्मा ने और मेरे पापा ने इतनी सुकून की सांस ली क्योंकि मैंने उनको बस ये कहता मम्मा वीज़ा आ जाए, मम्मा वीज़ा आ जाए, और द मोमेंट माई वीज़ा केम आई रैन टूवर्ड्स हर और उन्होंने मुझे गले लगाया और आई सॉ द टियर ऑफ जॉय इन हर आईज, सो दैट वॉज द मोमेंट दैट वॉज यू नो वर्थ बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर मी। और मेरी बहन ने वो भी पूरी रात उन्होंने जाके फिर दुआएं की और मेरे फादर ने भी, तो यू नो एक फैमिली के लिए यही होता है कि एक उनका बेटा अगर ऐसे एक कोई चीज़ अचीव कर ले जिसके लिए वो काफ़ी टाइम से देख रहा हो और इतना अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा जो स्टार्ट था ना कि मतलब डायरेक्ट ही मैं ओशन वन आया, तो मुझे ये था कि इधर ना चले जाऊँ उधर ना चले जाऊँ, टाइम ज़ाया नहीं हुआ मेरा प्रोसेस यूँ फ़ौरन से स्मूथली हो गया आराम से। तो एक यहाँ पे मैंने ना काफ़ी स्टूडेंट्स से मैं यही बोलूँगा कि बजाय इधर उधर जाने के दे शुड यू नो वर्क ऑन देयर नॉलेज फर्स्ट, और पहले उनको इंटरनेट वगैरह सर्व करना चाहिए कि देखो पहले कि कौन जो है वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, प्रॉपर रिसर्च करो। ओशन वन इज द बेस्ट इन दिस गेम फॉर मी। अच्छा, टेल मी कि यू वर्क इन आईबेक्स राइट? अभी आईबेक्स में काम कर रहे थे, आईबेक्स छोड़ दिया है। अच्छा, आईबेक्स के दोस्तों को बताया? नहीं, उनको नहीं बताया, वो इस पॉडकास्ट के बाद और जो मेरी तस्वीर लगेगी उसके बाद पता लगेगा, क्योंकि मैंने सबको ये बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया का बताया सबको, और मुझे पता है इसमें बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने देखा था काफ़ी सारे दोस्त आ रहे थे मेरे पास, यार मेरा रह गया। एक होता ना इम्पोस्टर जो बन के बंदा खेल रहा होता है, मैं वो यार शेट मेरा भी नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो अभी होगा देखेंगे यार ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे जर्मनी, क्योंकि उन सब का भी ऐसी इंटरेस्ट है जर्मनी की साइड पे ना, तो मैंने यही कहा कि जब तक वो काम हो ना जाए ना पहले तो बताना नहीं चाहिए, तो अब जब हो जाएगा ऑन एयर हो जाएगा तो खुद देखेंगे और खुद मेरे पास फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा मेरा। अच्छा, टेल मी दैट हाउ ओशन वन हैज़ हेल्प यू इन योर स्टडी अब्रॉड जर्नी? ओशन वन हैज़ हेल्प मी अलॉट फ्रॉम सिक्योरिंग एडमिशन टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके बाद मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को। मोटिवेशन मैं कहता हूँ कि इस प्रोसेस में ना दैट्स समथिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स अलॉट, क्योंकि होता है कि एक रिजेक्शन हो जाएगी फिर टाइम्स आया होगा, सो ओशन वन की टीम ने दे कलेक्टिवली वर्कड सो हार्ड फॉर मी और आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट के आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे और ओशन वन इज़ डूइंग प्रीटी वेल, तो दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट जो स्टूडेंट से हमारे शेयर करना चाहते हो आप, जिनसे उनको बहुत मदद मिले और जिससे आपको बहुत मदद मिली हो आपके इस पूरे प्रोसेस में? फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन हिज प्लान्स, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। सेकेंडली ये कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आप जितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो उनसे मशवरा लेना चाहिए, और साथ में जो आप मैंने जैसे आपको बताया कि ओशन वन जैसे मैंने कंसीडर किया स्टार्ट में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, तो उनको पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद बिना किसी टाइम ज़ाया किए आए यहाँ पे ओशन वन,
उनका प्रोसेस बहुत स्मूथली लेके चलते हैं ये लोग, और मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक होता है ना कि यार अभी तक ये नहीं आया वो नहीं आया, तो वो सब ओशन वन की टीम ही देखती है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती। एक होता है ना वन एक्स्ट्रा रैप होता है, वो नहीं होता, वो सारा ओशन वन देखती है और उसके बाद बाकी अल्लाह का होता है। अच्छा, सो टेल मी कि ओशन वन के बारे में कैसे पता चला था आपको? आई केम टू नो अबाउट ओशन वन, आई वॉज स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मैंने देखा सक्सेस स्टोरी आई, एक आई फिर दूसरी आई फिर तीसरी आई, तो मेरा ना इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ हुआ, तो मैंने उनकी वेबसाइट खोली, फिर आई सर्च, उसके बाद मैंने देखा कि अच्छा ये मेरे एक दो दोस्त भी गए यहाँ से, तो फिर आई वेंट टू माई मम और मैंने उनको बताया कि दे आर ओशन वन और दे केटर स्टूडेंट्स और दे हेल्प देम टू स्टडी अब्रॉड, तो उसके द वेरी नेक्स्ट डे वी केम हियर और उसके बाद हमारा प्रोसेस, और आज फिर मैं पासपोर्ट लेके बैठा हूँ वीज़ा इंशाल्लाह। अच्छा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था पूरा? इट डिपेंड्स के अब जैसे मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, तो इफ़ यू वॉन्ट थिंग्स टू गो स्मूथ एंड स्विफ्ट तो यू कैन गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और अगर आप बिलीव करते हो कि एवरीथिंग टेक्स टाइम तो यू कैन गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। हां, टाइम टेकिंग प्रोसेस पे अगर आप बिलीव करते हो तो यू शुड गो फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। यस, बट कंसल्टेंसी इज द मेन थिंग जो के ओशन वन ऑफर करता है, तो मे इट बी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंट। अच्छा, टेल मी कि आप अपने आप को 8 से 10 साल बाद कहां देखते हो, लाइक किस पोजीशन पे देखते हो खुद को? मैं 8 से 10 साल बाद अपने आप को देख रहा हूं कि मैं उतर रहा हूं मर्सिडीज से, और मेरे पास ऐसे मतलब कि ये है कि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं ये बता सकता हूं कि इन 5 लोगों में मैं एक वो बंदा हूं कि जिसके पास इन 4 लोगों से ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि ये 4 कराची से पढ़े हुए हैं, मैं जर्मनी से पढ़ के आया हूं। तो दैट्स द बेसिक थिंग कि मैं जर्मनी से पढ़कर आया हूं तो मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगी, मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगी और मेरी डिग्री की ज्यादा वैल्यू होगी। हाँ, दैट्स द पॉइंट, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, वो जिस तरह स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एडवांस होती है, बहुत ज्यादा एडवांस होती है, और पूरी ग्लोबली उनकी जो यूनिवर्सिटीज की डिग्री होती है वेल रिकॉग्नाइज्ड होती है, तो दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, एमबीए भी करने का प्रोग्राम होगा आफ्टर योर बीबीए, राइट? एग्जैक्टली, एमबीए कहाँ से करने का प्रोग्राम है? एमबीए का देखेंगे यहाँ से, या तो मेरा मूड बनेगा मैं वापस चले जाऊंगा जर्मनी, फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, फिर पढ़ के वापस आएंगे उससे, लेकिन पहले बैचलर्स का एक्सपोजर लूंगा, क्योंकि आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मेरा जो प्रोसेस है ना बैचलर्स का और जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, एक होता है ना यूनिवर्सिटी लाइफ होती है और बर्लिन में यूनिवर्सिटी लाइफ हो रही है, तो वो तो बहुत डिफरेंट लाइफ, बहुत डिफरेंट होती है, एक होता है कराची की लाइफ, एक होती है बर्लिन की लाइफ, तो दैट्स यू नो अ डिफरेंस। अच्छा, कराची की लाइफ तो आपने पास आउट कर ली, लाइक अब आप जा रहे हो बर्लिन, तो अभी से डिफरेंस फील हो रहा है थोड़ा सा? वो हो रहा है कि यार ये 2 दिन की गर्मी है, 3rd दिन ठंड है, ये 2 दिन का ये है, आगे जाके कोई इतना मसला नहीं होगा, तो दैट्स द मेन डिफरेंस। लेकिन एक वो होता है कि फैमिली से थोड़ा 4 साल का गैप आ जाएगा ना, तो दैट्स द मेन थिंग दैट ट्रिगर्स मी अलॉट, लेकिन ये वही बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो मेरे ही बेनिफिट है इसमें और फैमिली का ही वो है, तो उनकी दुआओं से और उसके बाद ना इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगा पढ़ के वहाँ से और एक अच्छा एक्सपोजर लेके आऊँगा वहाँ से। अच्छा, जर्मनी जा रहे हो तो लैंग्वेज सीखी उनकी? थोड़ी बहुत सीखी है, सीखी है थोड़ी बहुत, क्या क्या सीखा है बताओ? लाइक वो एक होता है ना कि जो एक मेन वर्ड्स होते हैं, जैसे माय नेम इज शाज़िब को लोग बोल देंगे, अगर मैं जर्मन में बोलूँ तो वो हो जाएगा इश बिन शाज़िब, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको तो। okay. और एक होता है ना वेयर आर यू फ्रॉम, तो एक होता है हालो वो हियर कम्स टू, तो उसका रिप्लाई मैं दे सकता हूँ कि या हाँ कोमे ओस पाकिस्तान, और मेन्यू होता है जो मेन्यू कार्ड उसको बोलते हैं स्पाइसर कार्टर, और उसके बाद एक वो होता है उनका वेटर को बोलते हैं कैलनर, आई एम सो सॉरी को बोलते हैं एस टूट मेर लाइक, तो ये है कि मैं टैक्सी वगैरह आराम से बुक कर लूंगा वहाँ पे। अच्छा, मतलब बेसिक सारी सीख रहे हो? बेसिक सारी सीख रहा हूँ। कहाँ से सीख रहे हो बेसिक? मैं डुओलिंगो से सीख रहा हूँ फिलहाल तो क्योंकि वो एक बहुत अच्छा वो होता है कि वो स्टार्ट से लेके चलते हैं ना, तो वो एक होता है कि आप एक कैफे में ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो, उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ना, तो वो एक ऐसा होता है कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता, 30 मिनट्स इन अ डे इज वेल इनफ फॉर मी, तो ये होता है कि उससे सीख जाता हूँ मैं। अच्छा, कोई चैलेंजेस फेस किए इस पूरी जर्नी में अपनी? चैलेंजेस फेस ये कि एक होता है ना कि हर स्टूडेंट के माइंड में एक वो होता है नेगेटिविटी भी आ जाती है कभी कभी कि वाई इट्स टेकिंग सो लॉन्ग, और देर मस्ट बी रीज़न कि मेरा प्रोसेस इतना लंबा जा रहा है, वीज़ा का इतना वो हो रहा है, अदर देन दैट देर वॉज नो सच थिंग दैट ट्रिगर्ड मी, इट वॉज सो स्मूथ, और बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अराउंड दिस जर्नी वॉज कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि मेरा ऑफर लेटर कैसे आ गया। एक होता है ना स्टूडेंट जब खुद से कर रहे होते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है, और रिजेक्शन भी यूनिवर्सिटी से बहुत आती हैं। मेरा ये था कि हाँ मुझे बिलीव था कि ओशन वन एक टीम है, वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको आराम से केटर कर लेगी,
तो बस ये होता था कि मुझे नोटिफिकेशन मिल गई थी कि आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो गया है, फिर उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत आराम से बताया. तो दैट्स द मेन थिंग आई शुड से टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के दे शुडंट वेस्ट देयर टाइम और दे जस्ट हैव टू कम ओवर हियर और यू नो जस्ट द प्रोसेस. अच्छा शाहजेब, कोई एक ऐसा सजेशन जो आप हमारे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को देना चाहते हो जो कि जर्मनी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली? द वेरी फर्स्ट थिंग इज के ट्रस्ट इन योरसेल्फ. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम. वी हैव टू बिलीव इन दिस. सेकेंडली कि डोंट वेस्ट योर टाइम अप्लाइंग बाय योरसेल्फ. जस्ट गो फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वाई सम जस्ट ओशन वन, क्योंकि इनको हर चीज़ का पता है कि हाउ टू डील विद एवरी सिंगल थिंग. मे इट बी यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफर लेटर से लेके आपकी इंटरव्यू प्रेप तक आपको हर चीज़ को ये लोग गाइड करेंगे. तो अगर इफ़ यू वांट अ प्लान, इफ यू हैव अ प्लान टू गो टू जर्मनी, सो यू शुड कम हियर फॉर यू नो ओशन वन. ठीक है शाहजेब, थैंक यू सो मच. You're more than welcome. And बहुत जल्दी आप फ्लाई करने वाले हैं. इंशाल्लाह. And very best of luck for that. Thank you so much. Thank you so much. Thanks to you guys. Thank you so much. Okay, so this was all from our side. I hope कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए. वील रीच यू आवर एज सून एज पॉसिबल. आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट द लाइव सेशन, टू नो मोर अबाउट द लाइफ इन जर्मनी, द लाइफ इन यूएसए. टिल देन थैंक यू.